उम्मेदाबाद में जैन संत का किया अग्नि संस्कार, पालकी निकालकर किया जैन संत उपाध्याय मंगल विजय महाराज को पंचतत्व में विलीन। सायला से सुखदेव सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। सायला के उम्मेदाबाद में शुक्रवार को जैन समाज के संत उपाध्याय मंगल विजय महाराज का देवलोकमन होने पर पालकी निकालकर अग्नि संस्कार किया गया। जैन संत धर्मचंद्र विजय महाराज के साथ उम्मेदाबाद में चातुर्मास कर रहे थे। गुरुवार दोपहर को चातुर्मास के लिए विराजमान जैन धर्मशाला में मंगल विजय महाराज का हृदय गति रुकने से देवलोकमन हो गया। जैन संत उपाध्याय के देवलोक की खबर सुनते ही जैन समाज में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं बड़ी संख्या में जैन संत के अंतिम दर्शन के लिए श्रावक श्राविकाओं के धर्मशाला में आने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं बाहरी राज्यों सहित विभिन्न जिलों से जैन समाज के लोग भी पहुंचे। शुक्रवार प्रातः अग्नि संस्कार के निमित्त विभिन्न चढ़ावों की गोलियां बोली गई, जिसमें जैन समाज के लोगों ने लाभ लिया। इसके बाद ढोल धमाकों के साथ पालकी निकाली गई। पालकी यात्रा में श्रावक श्राविकाएं उपाध्याय महाराज के जयकारे लगाते हुए गुलाल उड़ाते हुए चल रहे थे। पालकी गांव के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई अग्नि संस्कार स्थल पहुंची, जहां पर विधिवत रूप से अग्नि संस्कार किया गया। इस दौरान संघ अध्यक्ष सेठ हीराचंद, जीतमल भंसाली, जीतमल तलावत, कुयालाल सुजानी, नेमीचंद रांका सहित विभिन्न जैन संघों के वरिष्ठ जन लोग मौजूद थे। रायथल में हुआ था जन्म, आहोर में ली थी दीक्षा। आचार्य पूर्णानंद सूरी महाराज के शिष्य उपाध्याय मंगल विजय महाराज का रायथल में जन्म हुआ था, जिनके पिता का नाम लुम्बचंद जैन व माता का नाम जमुदेवी था। उपाध्याय ने 30 वर्ष की उम्र में पूर्णानंद सूरी से दीक्षा ग्रहण की थी, जिनका उम्मेदाबाद में 12वां चातुर्मास चल रहा था।